रंजन, रात के 2:30 बज चुके हैं और हम दोनों इस पुल से उधर जा रहे हैं। हम दोनों के सिवाय इस पुल पर और कोई नहीं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मंजू चलते चलते रंजन के साथ बातें कर रही थी। उफ मंजू, तुम अपना मुंह बंद रखो और बस चलने का काम करो। एक तो मेरा दिमाग काफ़ी गर्म हो चुका है, उस ऑटो वाले ने हमें पुल के उस पार ही उतार दिया। रंजन के कंधे पर एक बड़ी सी बैग थी। पुल पर घना अंधेरा, आसपास किसी का कोई पता नहीं और दोनों चलते जा रहे थे। मंजू चलते चलते एकाएक रुक गई। मंजू क्या हुआ? रंजन ने पूछा। रंजन तुम्हारे सामने कोई खड़ा है, मंजू ने डरते हुए रंजन से कहा। रंजन ने आगे देखा, कहा कुछ है, कोई भी तो नहीं? रंजन ने मंजू की तरफ मुड़कर देखते हुए कहा। वो एक आदमी था, मंजू को साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने सफ़ेद कुर्ता और पैजामा पहना था। उस आदमी ने एकदम पुल के नीचे छलांग लगाई। मंजू जोर से चीखी, रंजन वो नीचे कूदा। दोनों ने पुल के नीचे देखा। वो आदमी एक पत्थर पर पड़ा था, उसके सर से खून बह रहा था और वो मंजू और रंजन की तरफ देखकर हंस रहा था। तो दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें हॉरर स्टोरीज वीडियो पसंद है। अगर आप इसी तरह और भी हॉरर स्टोरीज वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।